हरे कृष्णा कृष्ण भक्त सज्जन बंद मातृबंद आपण मान शिक्षाष्टकम चतुर्थ दिवस को आम स्वागत जनाऊ तेणु आम जो कहते नाम महात्म्य नाम नाम कारी बोधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणीन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि हृदय मित्री महाजनिना अनुराग इसको आम गत आलोचना करुले तेणु ये नाम विभिन्न सब कथा रही तेणु आम से आउ थे आज पुणी कह विषय विशेष भाव आमर जो रही भक्तिर 64 अंग रही पांचटी हूँ मुख्य प्रथम हूँ साधु संघ तापर नाम कीर्तन तापर भागवत श्रवण तापर मथुरा पुरीत वास तापर श्रीमूर्तिर श्रद्धा सेवन ये पांचटी रही तेणु ये नाम कीर्तन ये हूँ द्वितीय नंबर आसु नाम महात्म्य आम गत का आलोचना करते ये श्रीमद भागवतम नाम महात्म्य प्रति स्कंदे रही तेणु आम से आज से नाम महात्म्य वर्णना करने ये भागवत आश्रय नवा तेणु ये कह भागवतम प्रथम स्कंद भागवतम जो 12 स्कंद रही ये भगवान श्री अंग सहित तुलना कर भगवान श्री अंग तेणु प्रथम स्कंद और द्वितीय स्कंद हूँ दुईट भगवान पाद पद्म प्रथम स्कंद आरंभ कर भगवान नाम महात्म्य वर्णना कर प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय 14 श्लोक सुत गोस्वामी कहते सुत गोस्वामी नुह या स्वर्णकृषि कहते नैमिषारण्य सुत गोस्वामी को स्वर्णकृषि एवं 88,000 ऋषि सब रही से सब 6 प्रश्न पचार से प्रसंग में नाम महात्म्य से कहते कहते आपन संस्कृति घोरा जन्नाम विवशो गृणन तथा सद्यो विमुच्येत जद विभेति स्वयं भय भगवान के विषय शुणापाई के आग्रह रही श्लोक जना पड़ी सुदर्शन कौन तत्प्रभाव मनोवर्णयन तत्जश श्रवण उत्सुक आविष्कुर जश शुणापी किभली भाव रही भगवान ये रही आपन संस्कृति घोरा आमे ये रही जाइए संस्कृति रहीचे जन्म मृत्यु चक्र आम घूरी बुलचे तेणु ये घोर संस्कृति आम रही जन्म मृत्यु चक्र घूरी बुलचे आम ये तेणु ये जो मैंने पड़ जाइए यदि कौन सी कारण भगवान का नाम ठीक भाव मत उच्चारण कर पारे ना घृणन कौन सी उपाय नाम टी बाहर पड़े आम जुआरु जन नाम विवश विवश भाव तथा साध्य विमुचेत सांगे सांगे से मैने मुक्त हो जाए जद विभेति स्वयं भाव से भगवान जी जहाँ को मृत्यु मध्य भय करती भय मध्य भय करती विभेति स्वयं भयम यही भाव सुत गोस्वामी को ये 6 प्रश्न पचारिकतोटी कथा से कही आम जानूचे नाम महात्म्य केमती प्रति स्कंद वर्णना कर तेणु से भाव द्वितीय स्कंद ये जो सब रही प्रथम स्कंद अंतिम परीक्षित महाराज
जो अभिशापग्रस्त हो गले अभिशापग्रस्त होकरी से समग्र भूमंडल सम्राट थे तेणु से सब त्याग करी आसिकी गंगा नदी तटे सुकरताल हरिद्वार से आसिकी बस षाठी हजार मुनि ऋषि मैंने आस पहुँच षाठी हजार मुनि ऋषि मैंने पहुँचे से सुखदेव गोस्वामी आस पहुँचीगले तेणु सुखदेव गोस्वामी को से प्रश्न पचारे कि भाव में जड़े मृत्यु मुखर रही तार कौन कर्तव्य यह सब प्रश्न पचारे तार उत्तर रे सुखदेव गोस्वामी द्वितीय स्कंद आरंभ कर द्वादश स्कंद पर्यंत कथा कहे सुखदेव गोस्वामी तेणु से कहले समस्त मनुष्य मान जहाँ करने कथा नुह से लोक मैंने कर तेणु प्रकृत रे भगवान तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य से चता जो मैंने मृत्यु मुखर उद्धार पाया चाहते से भगवान हरि तनोट विशेषण दे सर्वात्मा समस्त सी आत्मा परमात्मा भारत सर्वात्मा भगवान सी हूँ षडैश्वर्य पूर्ण एवं सी हूँ ईश्वर सी हूँ नियंत्रणकारी हरि यही से विषय शुणा कथा कीर्तन करवा कथा एवं स्मरण करवा कथा तेणु ये जो तीनोटि विषय भक्ति आम शुणु 64 अंग रही प्रहलाद महाराज 9 अंग विषय कही किंतु आमर श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते जदि ये तीनोटी अंग भितर जदि कौटा श्रेष्ठ तेणु से कहते भगवान नाम कीर्तन द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक रही कहते एता कौन एतन निर्विद्यमानानां इच्छतां अकुतो भयं जोगिनां नूपनिर्णीतं हरे नामानुकीर्तनम् ये जो तीनोटी रही 2:1-11 श्लोक कह श्रवण कीर्तन और स्मरण भितर यटा को निर्णय कर जोगिनाम नूप निर्णित सब जोगी मैंने विद्वान व्यक्ति मैंने सब ये निर्णय कर भगवान का नाम अनुकीर्तन अनुकीर्तन कहले आम गत काली आलोचना करुले कि भाव नाम सब रही आमर परंपरा रे जो नाम को दि जाए कीर्तन करवा तेणु ये श्लोक श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते जे 1:11 कहते ननु अत्र शास्त्रे भक्ति अभिधेय इति अवगम्यते तीनोटी जिनस रही हम गत काली कही संबंध अभिधेय एवं प्रयोजन तेणु अभिधेय हूँ भक्ति शास्त्र रे एटा को जना पड़ अभिधेय हूँ भक्ति किंतु तथापि भक्ति अंगेषु मध्ये महाराज चक्रवर्तीवत किम एकं मुख्यत्वेन निर्णयत यदि कह श्रेष्ठ कौटा ये 9 अंग भितर श्रेष्ठ कौटा श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भाष्य कौन तेणु सुखदेव गोस्वामी यहाँ नामानुकीर्तन भगवान नाम को परंपरा रे कीर्तन करवा ततश्च निर्विद्यमानानां निर्विद्यमानानां अर्थ रे से कहते एकांत भक्ता ना जो माने शुद्ध भक्त एकांत भक्त एवं इच्छताम कहले जो माने इमिति स्वर्ग मोक्ष मध्ये चाहूसंदी समान पई मध्ये कामिना जहाँ विभिन्न प्रकार कामना अच्छी से भगवान नाम कीर्तन करेंगे एवं जोगीनाम कहले आत्मा रामाणंच आत्मा राम जो मैंने आत्मा आनंदित हमें किसी कामना न था
किंतु तथापि से भगवान नाम कीर्तन करिवे एटा निर्णय कर द्वितीय स्कंधरे एटा कह से भाव तृतीय स्कंधर कथा आसीब तृतीय स्कंधरे वर्णना कर विभिन्न स्थान वर्णना करें देवहूति कथा कह दुईटी श्लोक देवहूति जे कि भगवान कपिलदेव माँ कपिलदेव तांको शिक्षा प्रदान कले सांख्य योग 25 रु 33 नौटी अध्याय वर्णना कले कर सर देवहूति कौन नाम महात्म्य को तीन तृतीय स्कंध 33 अध्याय 6-7 दुईट श्लोक से कहते जन्नाम धेय श्रवणानुकृत्यान् यत् प्रभुणाद् यत् स्मरणादपि क्वचित् स्वादोपि सद्य श्रवणाय कल्पते कुतः पुनस्ते भगवन्नु दर्शनात् जहाँ नाम को ध्यान कले बा श्रवण कले बा कीर्तन कले जहाँ को प्रणाम कले जहाँ को स्मरण कले क्वचित् कौ समय गोटे थर है स्वादपि सद्य श्रवणाय कल्पते स्वाद कहले स्व कहले स्वान कुकुर कुकुर को जो भोजन करती चंडाल माने सांगे सांगे से माने यज्ञ करने उपयुक्त हो श्रवणाय कल्पते कुत पुनस्ते भगवान दर्शनाद आ जो माने भगवान दर्शन करेंगे कथा कौन कह शिवा रूप गोस्वामी भक्ति भक्ति सामर्थ सिंधुरे ये श्लोकटी उद्धार कर जो प्रारब्ध नाश प्रारब्ध जो भोग करे विभिन्न प्रकार दुख कष्ट भोग करे प्रारब्ध ये प्रारब्ध को नष्ट करदे भगवान नाम ये रही नाम महात्म्य कौन अहो बत स्वचतो गरियान जजुहाग्रे वर्तते नाम तोभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहुभु शश्नु राजा ब्रह्मानुचूर्णाम गृणंती जेते आश्चर्य हो जाती भगवान नाम कथा तेणु शिवा विश्वनाथ चक्रवर्ती कौन अहो बत इति आश्चर्यादपि एतद् आश्चर्यत् सबुठ आश्चर्य ठारे आश्चर्य भगवान नाम किभली भाव ना स्वपच आम सब नियम रही आम कौन द्यूतंग पानंग स्त्रीयंग सुना ये सब नियम रही सब नियम ग्रहण कर भगवान नाम नवा किंतु स्वपच जे कि कुकुर बोल चंडा सी मध्य श्रेष्ठ हो जा गरिया श्रेष्ठ हो जाते जहाँकर जुहार अग्रे जुहाँकर केवल अग्रे बर्तते कि समय पर रोच नाम एक वचन कह जा तुभ्यम आपणकर नाम महात्म यह रही कौन तर कमी से गरियान हो जाती ते पुष तपस्ते बुझाक पड़ो जो समस्त तपस्या कर सारी तपस्या विषय भगवद गीता रे 9 प्रकार तपस्या विषय सप्तदश अध्याय भगवान कहते एवं से माने जुहुबु समस्त यज्ञ कर सारी सस्नूर समस्त तीर्थ रे स्नान कर सारी से आर्य को माने ना ब्रह्मानु से मध्य समस्त किसी वेद अध्ययन कर सारी ब्रह्मानुचु नाम गृणती जेते नाम को जो माने परिष्कार भाव उच्चारण करूना खाली गुणगुण हो कौन से माने स्तर प्राप्त हे यही भाव श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती भाषा कौन कण ना जुहाग्रे स्वपच प्रथम हूँ स्वपच से खाद्य हूँ ये भाव किंतु जो माने भगवान को अर्पण करी प्रसाद पाँच कथा कौन कह तार अर्थ हूँ यहाँ से भाव जुहार अग्रे एवं नु संपूर्ण जुहाया संपूर्ण जुहार से भगवान नाम नौना केवल जुहार अग्रे नहीं
जो मान संपूर्ण जुहार भगवान नाम ने कथा कौन कह नाम महात्म्य बर्तते बर्तते एवं नु वृत किसी समय पर रोच जहाँ जुहार अग्रह जहाँ जुहार संपूर्ण जुहार सब रोच नाम कथा कौन कह एवं एवं वृत नाम एवं नाम एवं न तो नामानी एक बचन कह नाम आम जो भगवान नाम नौ षोलटी नाम गत काली कही षोलटी नाम रही कि गोटे नाम जदि नौकर भाव अवस्था हम तेणु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते संपूर्ण जुहायांग संपूर्ण उच्चारितानी बहुनी नामानी तू किमुत इति भाव जो मैंने पूर्ण भाव समर्पित होकरी अनेक नाम नौ कथा कौन कह ये नाम महात्म्य तृतीय स्कंधरे आउ विभिन्न स्थान रही आम एत आलोचना के समय हम ना चतुर्थ स्कंधरे आमर आस ये कथा कहते किए चतुर्थ स्कंधरे ना हाँ ध्रुवंकर ध्रुवंकर कथा आम शुणुचे ध्रुव जिते भगवान दर्शन कले दर्शन करी सब रही ध्रुव चतुर्थ स्कंद आठ रु बार ये पांचटी अध्याय वर्णना कर ध्रुवंकर कथा तेणु जिते बार भाई उत्तम को जक्ष माने हत्या कर तेणु ध्रुव आक्ष मान सहित युद्ध करने तेणु से जक्ष माने मिलित भाव ध्रुवंग जो आक्रमण कर सब सर बृष्टि कर पोति पड़े तादर तेणु से हिमालय निकट युद्ध चलता हिमालय कहले आम जो वर्तमान हिमालय रही से नुह से तो हिमालय कि आ गए विराट हिमालय रही आम देखिपना से युद्ध चलता तेणु मुनि ऋषि मैंने साधारणतः से हिमालय पाखे रोच भगवान भजन करेणु से मैंने देखिले जो एक से श्लोकटी कहते औतान पादे भगवान तब सार्ग धन्वा देव क्षुणती अवनता आरती हर विपक्षान जन्नाम धेय अभिधाय निशम्य चाधा लोक अंजसा तरती दुस्तर मंग मृत्यु नाम महात्म्य कौन हे उत्तान पाद पुत्र भगवान तुमको सारंग धनुआ तर जो धनु रही धनुकर नाम हो सारंग धनु से सारंग धनु क्षीणती अवनता आरतीहर विपक्षा भगवान शरण में जाकर भक्त मान विपक्ष अभक्त मान सब रही तेणु भक्त मान आरती को दुख को हरण करते सी भगवान कथा छाड़ू जो नाम ध्येय जहाँ नाम को केवल ध्यान कला मान से कौन हमें लोक अंजसा तरती दुस्तरम मृत्यु से मैंने बहुत सहजरे जो मृत्यु को कई पार हो पारे ना से पार हो भाव चतुर्थ स्कंद दशम अध्याय तीस श्लोक ये मुनि ऋषि मैंने ध्रुव को यह भाव कही तेणु आम देखुचे कि भाव ध्रुव अंतिम मृत्युकर मथार पाद देकरी धाम को गले वैकुंठ धाम को मृत्यु मूर्धनि पदम दत्वा आरुहा धूतगृह कौन मृत्युर मस्तक पाद देकर सी गले ध्रुव नाम महात्म्य भाई रही से भाव पंचम स्कंदरे आस गोटे कथा पचीस अध्याय एगार श्लोक नारद मुनि कहते आमर ये नारद मुनि संप्रदाय तेना सी कह जन्नाम सुत मन कीर्त अकस्मान आर्तो बा जदि पति प्रलंबन बा हंत्यहं सपदी नुणाम अशेष मन्यं कं शेषाद भगवत आश्रयन मुख्यु नारद मुनि ये जो रही आमर आम जम्बुद्वीपवासी आम जम्बुद्वीप 9 वर्ष रही आम हूँ भारतवासी
ଭାରତବର୍ଷରେ 9 ଖଣ୍ଡ ରହିଛି, ଆମେ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡରେ ରହିଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଭାରତବର୍ଷର ଅଧିଷ୍ଠାତୃ ଦେବ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ନରନାରାୟଣ। ସେ ନରନାରାୟଣଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ନାରଦ ମୁନି, ଆମ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ତେଣୁ ସିଏ ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟି କହିଛନ୍ତି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାମ ସାଧୁଗୁରୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରି କେହି ଯଦି ଅକସ୍ମାତ୍ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଅଥବା ଆର୍ତି କିମ୍ବା ପତିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯଦି ପରିହାସ ସ୍ଥଳରେ ଥରେ ମାତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ନିଜେ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି, ତା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ପରନ୍ତୁ ସେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମାତ୍ରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଶେଷ ପାପରାଶି ବିନାଶ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପାପ ଚାଲିଯାଏ। ଅତଏବ ମୁମୁକ୍ଷୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଭଗବାନ ଶେଷ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାକୁ ବା ଆଶ୍ରୟ କରିବ। ନାରାୟଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଭଜନ କରିଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଜାମିଳ ଉପାଖ୍ୟାନ ରହିଛି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଅନ୍ୟ କଥା କହିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଏଇ କଥା ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଏଇଟା କହିବାକୁ ଅଛି। ନାମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ତର ରହିଛି, ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ସେସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନାମ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଅଜାମିଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଜାମିଳ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଭାଗବତଙ୍କୁ, ସେହି ସମୟରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍କନ୍ଧର କଥା ଆସିଲା। ଛବିଶ ଅନ୍ତିମ ଅଧ୍ୟାୟରେ 28 ନର୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ। 28 ନର୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣିକରି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନେ, ଯଦିଓ ସେ ରାଜା ନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବ। ତେଣୁ ସେ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧ ଆରମ୍ଭରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପଚାରିଥିଲେ। ଏସବୁ ବିସ୍ତାର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ, ଖାଲି ଏତିକି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣନ୍ତର ହେଉ ବା ଅଜାଣନ୍ତର ହେଉ କିଛି ନା କିଛି ପାପ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି ସେମାନେ ନର୍କରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ। ତେଣୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। କର୍ମ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ, ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଭକ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ କର୍ମ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ପୁଣି ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ସେ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦିଓ ସେ ପାପ ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାସନା ଯାଉନାହିଁ। ବାଉଁଶ ଯେମିତି ଦଗ୍ଧ ହେଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁଣି ବାଉଁଶ ଗଛ ବାହାରିବ, ସେହି ଉଦାହରଣଟି ଦେଲେ। ବେଣୁ ଗୁଣ୍ମ ଇବାନଳ, ଇଏ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସେଇଠି ରହିଛି। ଶକ୍ରୁନ୍ ମନ କୃଷ୍ଣ ବଦାର ବିନ୍ଦୟୋ ନିବେଶିତ ତଦ୍ଗୁଣ ରାଗେଇ ଜୟରିହ ନ ତେଜମ ପାଶ ଭୃତ୍ୟଶ୍ଚ ତଦ୍ଭଟ୍ଟାନ ସ୍ୱପ୍ନେ ବିପଶନ୍ତି ଚିହ୍ନ ନିଷ୍କୃତା। ଶକ୍ରୁନ୍ ଗୋଟିଏ ଥର ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଲେ ଜଣେ ଭଗବାନ ପାଦପଦ୍ମରେ ଯଦି ମନଟି ଲାଗିଗଲା ତଦ୍ଗୁଣ ରାଗି ଜୟରିହ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ବୌଦ୍ଧିକ ଆସକ୍ତି ସେତ ସବୁ ରହିଛି, ଗୁଣ ଭିତରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ସବୁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନ ତେଜମ ପାସ ଭୃତ୍ୟ, ସେମାନେ ଯମରାଜଙ୍କର ଭୃତ୍ୟମାନ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଯମ ପାସ ଆଣିକି ଆସନ୍ତି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନେବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ତ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ବି ହିଁ ପଶନ୍ତି ଚିର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କୃତା, ଇଏ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ଅଜାମିଳର ଉପାଖ୍ୟାନଟି ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ବହୁତ ତିନୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଆମେ ଏତେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନାହିଁ, ଖାଲି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଜାମିଳ 88 ବର୍ଷରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସମୟ ଆସିଗଲା, ଯମରାଜ ଦୂତମାନେ ତାକୁ ଆସିକରି ଯମ ପାଉସ ପକାଇ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ସେ ତାର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ସବୁ ଦଶଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ଯେଉଁ କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ତା ନାଁ ରଖାହୋଇଥିଲା ନାରାୟଣ ବୋଲି ଡାକିଦେଲା।
नारायण आय इतिक जब डाकि सांगे सांगे भगवान चारज दूत आस पहुँचीगले से जम पास को काटिदेले यही भाव आलोचना चलती जमराज दूत मैने विष्णुदूत विषय विष्णुदूत मान विषय धर्म संवाद आलोचना चलती हाँ से नाम महात्म रही तेणु ये कहते ये जो रही अजामिल जमराज दूत मैने कहले के प्रकार से पाप से करा विराट लिस्ट तार होता चित्रगुप्त करते किंतु से मैंने जापारे ना नाम महात्म्य तेणु से मैंने ये कहते विष्णुदूत मैंने कहते जे ये सब प्रकार जो भगवान नाम नहीं सब प्रकार पापर मुक्त हो जाए प्रायश्चित हो जाए पूर्ण प्रायश्चित हो जाए तेणु तथापि जमराज दूत मान भावुंट ये तो कते प्रकार पाप सब कर पातक उरुपातक महापातक अतिपातक ये सब करते सब पाप कर गोटे नाम नहीं गले पी नाम सीधा सड़क नहीं नाला से पुह को लक्ष्य कर नहीं ये नाम भाष ये नाम भाष पर मुझे श्लोक आज ये कथाटी कौच मोर भाविली ना यहाँ कहबार अच्छी नाम विभिन्न स्तर अच्छे आम जानवा कथा हरिनाम चिंतामणि गोटे रही पुस्तक भक्ति विनोद ठाकुर ये नाम रेते महात्मा सहित सब वर्णना कर हरिदास ठाकुर ये नाम महात्मा कही महाप्रभु को हरिनाम चिंतामणि से वर्णना कर तेणु ये जो कथा कहले से बुझीपारे ना से जाकि जमराज पचारे ये सब कथा अच्छी किंतु विष्णुदूत मान कहते दुईट श्लोक कहुई जन विष्णुदूत मान कही आउ जन सुखदेव गोस्वामी कही नाम महात्म्य विष्णुदूत मान कहते सर्वेशाम भी अगवताम इदम पश्चिमस्कृतम नाम व्याहरण विष्णु जतद विषयामती से कहते जिते प्रकार पाप हो किंतु सबु पापर श्रेष्ठ प्रायश्चित हूँ यहाँ सर्वेशा भी अगवताम इदम एवं सुनिष्कृतम ये हूँ श्रेष्ठ प्रायश्चित कौन ना नाम व्याहरण विष्णु भगवान विष्णुकर नाम जन उच्चारण करते जत विषयामती आम जो भगवान विष्णुकर नाम नौ से कौन हो विष्णु कौन चिंता कर विष्णु शिवा श्रीधर स्वामी टीकार कहते विष्णु चिंता करे मोर व्यक्ति मध्योय मया सर्वतो रक्षणीय मुझे पूर्ण भाव सुरक्षा प्रदान करी इति नामचार पुरुष प्रति विष्णु मति भवत जो माने भगवान नाम को उच्चारण करष्णु यही भाव चिंता कर तेणु सुखदेव गोस्वामी यही षष्ठ स्कंध द्वितीय अध्याय अंतिम श्लोक ये नाम महात्मा सी कहते बहुत सुंदर भाव से श्लोकटी अच्छी कहते कौन म्रियमाण हरेनाम गृणन पुत्र प्रचारितम अजामिलोपी अगाधाम किमुत श्रद्धा गुणन देखु आम सब भक्त आम सब जानवा कथा सब कथा अजामिल सब प्रकार पाप कार्य कर किंतु आमे सब प्रकार पापर मुक्त होकर भगवान नाम नौचे अजामिल कौन म्रियमाण मृत्युमुखर पड़ कि से भगवान नाम नहीं आम बर्तमान जीवित अवस्था भगवान नाम नौचे पुण कि नाम नहीं हरेन नाम घृणन पुत्र पचारित भगवान को लक्ष्य कर से नाम नहीं ना पु को डाकुला से नारायण आय पु को डाकुला कि आज जो आम भगवान नाम सीधा साल भगवान लक्ष्य कर नाम नवा कौन तार फल हम चिंता करतापर से जो कौन गुण नाम अजामिलोपी अजामिलोपी कहले बहुत प्रकार पाप कार्य लिप्त रहकर कार्य से भगवान नाम नहीं आम जदि पाप कार्य मुक्त होकर नाम नवा तो कौन फल हम एवं
ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ନାମ ନେଇନଥିଲା, ଅଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ନାମ ନେଇଥିଲା। ଯଦି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇକରି ସିଧାସଳଖ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ଫଳ ହେବ? ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଠାକୁର ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଟୀକାରେ କହିଛନ୍ତି, ନାମର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଭଗବଧାମ ଗଲା। ଏ ନାମ ଭାଷ ଏଇସବୁ ବହୁତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି, ଆମ ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଇଏ ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯମରାଜ ଦୂତମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଯୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତମାନଙ୍କ ସହିତ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇନି, ସେ ପୁଅକୁ ଡାକୁଥିଲା। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ ଦୂତମାନେ କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ନାମ ଭାଷ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାମ ରହିଛି, ଅପରାଧଯୁକ୍ତ ନାମ ଆମେ ସବୁଦିନ ପାଠ କରୁଛେ, କେମିତି ଆମେ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଅପରାଧରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସିଧା ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ବି ଆସୁନାହିଁ। ଶୁଦ୍ଧ ନାମ କହିଲେ ପ୍ରେମ, ପ୍ରେମ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବେ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ନାମ ଭାଷ ସ୍ତର ରହିଛି, ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଫର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଯାଏ, ଆଲୋକ ଆସିଯାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବେ ନାମ ଶୁଦ୍ଧ ନାମ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଇଏ ଯେଉଁ ନାମ ଭାଷ ସେ ସ୍ତରକୁ କହନ୍ତି ନାମ ଭାଷ। ଚାରି ପ୍ରକାର ନାମ ଭାଷ ରହିଛି, ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ ନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସାଙ୍କେତ୍ୟଂ ପାରିହାସ୍ୟଂ ସ୍ତୋବଂ ହେଳନମେବ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମ ଗ୍ରହଣମ ଅଶେଷ ଅଘରଂ ବିଧୁ। ଚାରି ପ୍ରକାର ନାମ ଭାଷ ରହିଛି। ସଙ୍କେତ ନାମ ଭାଷ, ପୁଅକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେ ନେଇଥିଲା ନାମ, ଏ ସଙ୍କେତ ନାମ ଭାଷ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ପରିହାସ କରି ମଧ୍ୟ କେତେଜଣ ନାମ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ମୁସଲମାନ ମାନେ ପରିହାସ କରି ନାମ ନେଉଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନାଟକରେ ରୋଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ନାରଦ ମୁନି, ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ନାମର ଫଳ ସେ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ନାମ ଭାଷ। ଏବଂ ହେଳାରେ ମଧ୍ୟ, ହେଳାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ଜଣେ ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ତାକୁ ବାରହା ଆକ୍ରମଣ କଲା। ବାରହା ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, ସେ ହାରାମ କହିକିରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା, ହାରାମ କହିକିରି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଳାରେ ଭଗବାନ ନାମ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଗଲା, ରାମଜୀଙ୍କର ଧାମକୁ ଗଲା। ଏଇଭଳି ସବୁ ନାମ ଭାଷ, ଚାରି ପ୍ରକାର ନାମ ଭାଷ ରହିଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାମର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନାମର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ବାଳକମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ବାଳ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ 31 ଶ୍ଳୋକରେ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧୟା ତତ୍ କଥାୟାଂଚ କୀର୍ତ୍ତନୈ ଗୁଣକର୍ମଣାମ୍ ତତ୍ ପାଦାମ୍ବରୁହ ଧ୍ୟାନାତ୍ ତଲିଙ୍ଗୋକ୍ଷା ପ୍ରଣାଦିଭି। ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଏ ଦୁଇଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ, ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ବୟସ ହୋଇନାହିଁ, 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ସିଏ, 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ସେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବେଦର ସାର ଜିନିଷଟିକୁ ଜାଣନ୍ତୁ, କାରଣ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଆସେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା, ଭଗବତ କଥାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତଦୀୟ ଗୁଣ କର୍ମ କୀର୍ତ୍ତନ, ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଧ୍ୟାନ, ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସମୂହର ଦର୍ଶନ ପୂଜନା ଆଦି କରିବା ଉଚିତ। ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ନାମ ବିଷୟରେ, ସେ ତ 9 ଅଙ୍ଗ ସିଏ କହିଥିଲେ, ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ମରଣ ପାଦ ସେବନ ଅର୍ଚ୍ଚନ ବନ୍ଦନ ଦାସ ସଖ୍ୟ ଆତ୍ମନିବେଦନ, କୀର୍ତ୍ତନ କଥା ସେ କହିଥିଲେ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶ୍ଳୋକଟି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁକୁ, ଭକ୍ତିର 9 ଅଙ୍ଗ ଏଇ ଶ୍ଳୋକଟି ସିଏ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ, ନାମର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏସବୁ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ନାମର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଭଗବାନ ବାମନ ଦେବଙ୍କ ଲୀଳାରେ, ଭଗବାନ ବାମନ ଦେବଙ୍କ ଲୀଳା ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧ 15-23 ଏ 9 ଅଧ୍ୟାୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସପ୍ତମ ମନୁଙ୍କ ସମୟରେ ଇଏ ଆସିଥିଲେ, ଭଗବାନ ବାମନ ଦେବ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ବାମନ ଦେବଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଏଇଠୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ବହୁତ କଥା ସବୁ ରହିଛି। ବଳି ମହାରାଜ ଯାହାଙ୍କୁ
देवता माने तांको हत्या कर देथिले जो समुद्र मंथन पर जो अमृत बाहर थिला भगवान मोहिन रूप से असुर मानको वंचित करिकरी देवता मान प्रदान करते से भीषण देवासुर संग्राम होता जो संग्राम रे बलि महाराज मृत्युवरण करते किंतु तापर से गुरुदेव शुक्राचार्य पूजा करी एभली शक्ति प्राप्त हो गले से स्वर्ग को अख्तियार करदे युद्ध करने पड़ा ना अष्टम स्कंद वर्णना कर केवल शंख फुंकीदे शंख ना आदर एत शक्ति रही इंद्र मान से भय थरिया आरंभ कले सब लुचिकी पड़ेगले यही भाव बड़ी महाराज स्वर्गर राजा हेले त्रिलोकर अधिपति होगले इंद्र होगले यही सब कथा बहुत कथा रही तेणु भगवान बामन देव आसिक छड़ना करूँ नहीं त्रिलोक को नहीं गले छड़ना करेणु से ही प्रसंग रे भगवान शुक्राचार्य कहते शहेतम यज्ञ करुले स्वर्ग नर्मदा नदी भोग कच्छे करुले भगवान बामन देव आसिक भाव विघ्न घटे यज्ञ संपूर्ण हो नाला यह सब कथा बहुत विस्तार भाव रही आम कही किंतु अंतिम भगवान कहले शुक्राचार्य को आपण यज्ञ जो विघ्न घटला आपण यू पूरण करतु से प्रसंग में प्रसिद्ध श्लोकटी रही नाम महात्म्य अष्टम स्कंद 23 अध्याय 16 नंबर श्लोक यही नाम महात्म्य प्रसिद्ध श्लोक यहाँ रही मंत्रत तत्रत स्थिद्रम देश काल वस्तुत सर्व करोति निश्चिद्रम अनुसंकीर्तन तब आम शुणुले कि भाव मंत्र सब छिद्र रही रुद्रासुर उपाख्यान वर्णना कर विश्व कौन त्वष्टा जितेबले इंद्र को बध करने यज्ञ करते मंत्र को ठीक भाव उच्चारण कर तेणु वृत्रासुर इंद्र को बध करा परिवर्ते इंद्र तक बध कले ओलटा फल प्राप्त है मंत्र छिद्र रही से भाव तंत्र तंत्र साधन विभिन्न प्रकार छिद्र रही देश बा स्थान समय वस्तु सब थे कि दोष त्रुटि रही कि शुक्राचार्य कहते सर्व करोति निश्चिद्रम सबकि त्रुटि शून्य करदेव अनुसंकीर्तन दब हे प्रभु आपण कीर्तन परंपरार जो मैंने कीर्तन करतन माध्यम सब त्रुटि शून्य हो कीर्तन ये अष्टम स्कंधे ये भाव नाम महात्म वर्णना कर नवम स्कंधे रही नवम स्कंधे आपण मैंने मन थो जानी शुणी ये जो अम्बरीश महाराज को उपाख्यान अम्बरीश महाराज किभली भाव में एकादशी रही आज द्वादशी आज तिथि से आसते अम्बरीश महाराज निकट पहुँचले किए दुर्भाषा किभली भाव सब जानस डेरी कले आमर रही नौटा रही टाइम नौटे आम पारण करवा पूर्व करना आज कहीं पारण करना से भाव सी सब पारणा जो समय थी पारणा समय डेरी हो स्नान कर आसुना तेणु से गंडीए जल तुसी पान कले जल मत पान कर तेणु से पारणा है जल तुसी पान पान कले किंतु कौन है शुक्रा ये दुर्वासा ये क्रोध प्रकाश कले गोटे जटा छिंडक कृतिया नामक राक्षस सृष्टि करदे अग्नि जो अग्नि जाड़ीदे आसला कि भगवान तक रक्षा करती नुह यही भाव सुदर्शन चक्र तक पचर धाईला दुर्वासा मुनि पचरे दुर्वासा मुनि सब विश्वर जिते स्थान रही एमती कि गर्भतक जलर प्रवेश करते कि रक्षा पाई ना तेणु वैकुंठ जा भगवान पाद पद्म पड़गले कि भगवान फेरेदेले ना मुझे रक्षा करें तेणु से पुणी आसिले वृंदावन रे लीलाटी होता आज तिथि होता गोटे वर्ष लगला आसिक अम्बरीश महाराज पाखे क्षमा प्रार्थना कर प्रसंगे से नाम महात्म्य कहते जन्नाम श्रुति मात्रेण पुमान भवती निर्मल तस्य तीर्थपद किंबा दासान अवशिष्य
नवम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक षोह कहकर नाम श्रवण मात्र के जन पवित्र हो जाए तेणु से भगवान पादपद्म जो मैंने आश्रय नहीं दास मान कौन बाकी रही भाव नाम से भाव दशम स्कंदर चौतीस अध्याय सतर नंबर श्लोक में नाम महात्म वर्णना कर भगवान गोटे लीला होता अंबिका हवन को जाते भगवान नंद महाराज सहित नंद महाराज चाहूल आम तीर्थ करवा कहीकि अंबिका मन को जाते शिवजी आराधना करने शिवरात्रि दिन से ही समय पूजा पूजी सरलापर जिते से विश्राम नहीं सी गोटे सर्प आसिक नंद महाराज को ग्रास कला तेणु ये नंद महाराज डाकिले कृष्ण कृष्ण यही भाव भगवान शयन करते सांगे सांगे उठी पड़े अन्य सब उठी पड़ कि सब नि सब आणिकी से सब बाड़ से साप को बाड़े किसी से जाऊन जाऊन किंतु भगवान आसिक पादर छुईदे छुईदे जिते बड़े से उद्धार पाईला से विद्याधर जन थे विद्याधर थे तेणु से श्लोकटी कही नाम महात्म्य दशम स्कंद चौतीस अध्याय श्लोक सतर में कह जाए जन्नाम गृणन अखिलान जहाँ नाम को ग्रहण कला माने अखिलान श्रोतृ नात्मा नाम पच समस्ते श्रवणकारी एवं जो मैंने कीर्तनकारी समस्ते सद्य पुनाती सांगे सांगे से पवित्र होजे किंग भूय तस्य स्पृष्ट पदाइते आउ से भगवान पाद को पाद मत स्पर्श कला आती बड़ आश्चर्य कौन अच्छी मुद्धार पाईगली कौन बड़ कथा नाम महात्मा कही दशम स्कंद से भाव में एकादश स्कंद विभिन्न स्थान विशेष भाव एकादश स्कंद आम जो शुणुचे वर्तमान ये नवजोगेन्द्र कथा से नवजोगेन्द्र मान नाम महात्मा कही द्वितीय अध्याय अड़चाश श्लोक आउ गोटे श्लोक से नाम नवजोगेन्द्र कह पंचम अध्याय छत्तीस श्लोक कहते कलीर रही कली सभा जयंती आर्या गुणज्ञा सारभागिन जो मैंने गुणज्ञ व्यक्ति गुणीवान व्यक्ति गुणवान व्यक्ति जो मैंने सार को ग्रहण करती से मैंने कली को कली युग को प्रशंसा करती कहीं ना जत्र संकीर्तन नहीं सर्वस्वार्थ विलभ्यते ये कली युग में आम गत आलोचना करते युगधर्म हो संकीर्तन ये संकीर्तन मध्यम सबकि जन प्राप्त हो सर्वस्वार्थ विलभ्यते यटा मत से नवजोगेन्द्र कही आ गोटे श्लोक अच्छे आम तो आलोचना करवा ना कले दोष निधिराजन द्वादश स्कंद कथ आस अंतिम स्कंद द्वादश स्कंद द्वादश स्कंद सुखदेव गोस्वामी भविष्यवाणी दे कौन हम आसीगला बर्तमान कली युग आसीगला कली युग कथ से कही कली युग जिते बढ़ से सब आसब लोक मैंने बुझीपर बर्तमान बुझीपर ना कली युगर दोष सब रही गोटे समुद्र भली रही दोष गणी हम ना ये दोष रही तेणु परीक्षित महाराज जो शुणुंट से चिंताग्रस्त हो जाऊँगी तेणु से सुखदेव गोस्वामी पचार गुरुदेव कली रे सब दोष रही उद्धार हबार आ कि उपाय अच्छी तो समुद्र भली रही पार ही हम नहीं ना अच्छी कौन से ये नाम महात्मा कहते कले दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम कलीर दोष जदिओ समुद्र भली रही किंतु गोटे भल गुण रही कलीर कौन ना भगवान नाम कीर्तन कृष्ण के नाम कीर्तन जे भगवत धाम जापर मुक्त संग परम द्वादश स्कंद तृतीय अध्याय एकावन श्लोक कम अंतिम भागवतम जो अठर हजार श्लोक रही शेष श्लोक जो रही द्वादश स्कंद तेर अध्याय तेईस श्लोक अंतिम श्लोक यहाँ से सुत गोस्वामी ये नाम महात्मा कहीकि भागवत को विश्राम देखते कौन से श्लोक
नाम संकीर्तन सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समन स्तंग नमामि हरि परम। जहाँकर नाम मात्र के नाम संकीर्तन मात्र के सब किसी पाप ध्वंस हो जाऊँ प्रणाम दुख समान एवं से नाम को भगवान को प्रणाम करुचे ताहले दुख सब दूर हो जाए तंग नमामि हरि परम। तेणु सुत गोस्वामी अंतिम भगवान प्रणाम कर तेणु आम यही भाव में भगवान प्रणाम करके आम कथा विश्राम दवा दुई मिनट भगवान नाम कीर्तन करके नाम महात्म रही आसंता का अन्न सब आलोचना करवा। हरे कृष्ण आप बोलिए Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare
श्री गोविंद कृष्ण बलराम श्री जगन्नाथ।